तो हेलो गाइस इज जय किशन फिलहाल हमने इस वीडियो में मंगा लिया है NVMe SSD और मैं हार्ड डिस्क का भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ कंप्यूटर वाला ठीक है और लैपटॉप वाला भी हार्ड डिस्क का अनबॉक्सिंग कर चुका हूं और साथ में मैंने साटा एस एस डी का भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ ठीक है बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स का अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ बेसिकली कंप्यूटर वाला जो प्लेलिस्ट है ना उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा मैंने एमेजोन से एनवी एम एस एस डी यहां पर मंगा लिया इसके अंदर है और चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं इसका जो प्राइस है ना बहुत ज्यादा मुझे सस्ता में पड़ा है आपको हो सके इतने सस्ते में आपको प्राइस देखने को ना मिले ठीक है और ये जो है दो सौ छप्पन या दो सौ चालीस जीबी का है तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं उसके बाद देखते हैं कि किस तरह तो से क्वालिटी रहता है और मेरे मदरबोर्ड में है कि नहीं ऑप्शन एमी का ठीक है अगर रहेगा तो मैं लगा कर दिखाऊंगा और नहीं रहेगा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसको पीसी जो अपग्रेड करना है अपना ठीक है जब पीसी अपग्रेड करूंगा तो जो मदरबोर्ड दूसरा लूंगा तो उस मदरबोर्ड के अंदर इस एन स्टोरेज को मैं लगाने वाला हूँ तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं फिर अगर रहेगा तो लगा लगाकर दिखाऊंगा नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो गाइस पैकेजिंग वगैरह की बात करें तो काफ़ी तगड़ा आपको पैकेजिंग देखने को मिलता है देख सकते हो और यहाँ पर चलिए ये रहा मेरा ब्लेड फटाफट से बेसिकली चाकू और मैंने कट किया और यहाँ पर जो है अपना प्रोडक्ट आ चुका है बाहर इसका प्राइस की बात करें तो मैं आपको प्राइस दिखा देता था इसका जो प्राइस है तेरह सौ उन्नीस रुपए ठीक है थीके? तो काफी मुझे सस्ता में पड़ा इतना सस्ते में आपको मिलने वाला नहीं है ठीक है बट इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा ये जो है मैं जेबरोनिस कंपनी का यहाँ पर मंगाया हूँ आप देख सकते हो और एम टू एनवीएम लिखा है और जेब जो इसका मॉडल है जेब एम एन ट्वेंटी सिक्स ठीक है यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बना हुआ है और इस साइड की बात करें तो कुछ इस तरह से मेरा जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है वो H61 है काफी मतलब लोअर ग्रेड का हो गया H61 लेकिन मैं जब पीसी बिल्ड किया था तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था इसलिए मैंने H61 लगाया ठीक है बाकी देख सकते हो दो सौ छप्पन जी का ये और इन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना लिखा है आप चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपको पढ़ना है तो आराम से आप पढ़ सकते हो ठीक है और यहाँ पर दो सौ छप्पन जीबी नेक्स्ट लेवल का मिला है फास्ट अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन यानी कि बहुत ज़्यादा कम ये पावर कंजप्शन करने वाला ठीक है तो चलिए फटाफट सी इसका सील जो है यहाँ पर लगा हुआ है सील को मैं कट कर लेता हूँ और निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को बाहर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ठीक है यहाँ पर दिक्क से तो काफी मतलब छोटा लग रहा है मैं सोचा था कि भाई मतलब काफी बड़ा होगा मैंने आज तक देखा नहीं था मतलब रियल में एनवीएमईसएस मैं पहली बार देख रहा हूँ एनवीएमएसडी और गाइस यहाँ पर दिक्क से तो इसको मैं निकाल लिया हूँ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा काफी मतलब प्यारा है काफी छोटा सा एकदम है ठीक है रैम से भी छोटा है मतलब जो लैपटॉप वाला रैम आता है ना उस टाइप का ही है ये ठीक है तो चलिए अब फटाफट से मैं मदरबोर्ड को ओपन करता हूँ और देखते हैं कि मेरे पीसी में ये लगता है कि नहीं तो गाइस मैंने अपने पीसी को ओपन किया इसका बॉक्स और यहाँ पर देख सकते हो तो एस एस डी का इसमें जो है एन वी एम ई का कहीं भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता यानी कि इसमें कहीं भी स्लॉट मुझे दिखाई नहीं मैंने पूरे अच्छे से इसको देखा खोजा ढूंढा लेकिन नहीं मिला तो अब मैं इस एन वी एम ई मतलब बेसिकली एस एस डी को यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्यों क्योंकि भाई अब मिला ही नहीं तो मैं लगाऊंगा किस चीज़ से अभी मैं क्या करना रहा हूँ मतलब कुछ दिन के बाद इस सारे चीजों को मैं चेंज करने वाला हूँ अच्छा सा मदरबोर्ड अच्छा सा प्रोसेसर अच्छा सा, सा सारे चीजें रैम वगैरह मतलब सारे चीजें टोटल अपग्रेड करने वाला हूँ तो जब मैं मदरबोर्ड बोर्ड लूंगा ना अच्छा सा जिसमें एनवीएमई का सपोर्ट हो तो उसमें मैं इसको लगाऊंगा और इसमें ही अपना विंडो इंस्टॉल करूंगा तो अगर आपके पीसी में और मदरबोर्ड में बेसिकली कहने का अर्थ है एनवीएमई का सपोर्ट है तो आप इस एनवीएमई स्टोरेज को ले सकते हो काफी तगड़ा होता है और काफी फास्ट होता है मेरे पास एस लगा हुआ वैसे यहाँ पर देख सकते हो ये जो एस अपना मैंने साढ़े चार सौ जीबी का इसके अंदर लगाया है और पांच सौ जीबी का हार्ड डिस्क भी लगाया है ठीक है डाटा वगैरह स्टोर करना रहता है तो इसमें करता हूं जो अपना विंडो वगैरह है और सॉफ्टवेयर वो सारे के सारे इसमें चलते हैं तो काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है लेकिन फिर भी मतलब मुझे कम लग रहा था परफॉर्मेंस तो मैं सोचा चलो भाई एनवीएम स्टोरेज मंगाते हैं और काफी सस्ते में मिल रहा था तो मैं सोचा चलो भाई ले, ले लेते हैं और इसको यूज किया जाएगा लेकिन अब मेरे को स्लॉट ही नहीं दिखा तो क्या ही कर सकते हैं जब इसको अपग्रेड करूंगा तब ये मेरे को काम आएगा तो चलो इसको वापस मैं पैक करके रख देता हूँ अब जब मैं पीसी अपग्रेड करूंगा तो सारे चीज़ें सेट करूंगा तो उस वक्त मैं आपको इसको लगा करके दिखाऊंगा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर सकते हो और इसका स्पीड तो मैं नहीं दिखा पाया लेकिन आप खरीदना है तो आप बेसिकली जाकर खरीद सकते हो काफ़ी मस्त चीज़ें हैं और टाटा एस से काफी ज्यादा ये फास्ट होता है ठीक है तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत